सो हेलो एवरीवन, तो इंडियन कोस्ट गार्ड का 20 मार्च का पहला शिफ्ट का यानी शिफ्ट ए का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। जितने क्वेश्चन अभी स्टूडेंट ने भेजे हैं, जो भी रिव्यू अभी तक मिला है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ताकि जिनका आगे एग्ज़ाम उनको हेल्प मिल सके। और जो मेरी टिप्स और एडवाइस रहेंगी आप लोगों के लिए इस एग्ज़ाम पैटर्न को देख के जो आज का हुआ है अभी पहली शिफ्ट में, वो आपको मैं बताऊँगा। और जैसे ही आप लोगों का शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट थर्ड जितनी भी शिफ्ट खत्म होती रहेंगी, आपको हर शिफ्ट का तुरंत सबसे पहले आपको रिव्यू यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये क्वेश्चन का PDF लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ। टेलीग्राम चैनल पर ना सिर्फ उसी तरह के आपके अभी आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, बल्कि ये क्वेश्चंस का आपको कोशिश किया जाएगा कि सारे क्वेश्चंस भी आपको दे दिए जाएं। तो एक स्टूडेंट ने भेजा अनुज ने कि साइंस में फोर्स के बारे में पूछा था कि ये स्केलर है या फिर वेक्टर, ये क्वेश्चन था। पंकज ने भेजा कि दो एक्टिव और दो डायरेक्ट, यानी दो एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन आए थे और दो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी दो नरेशन से क्वेश्चन आए थे, यानी चार नंबर तो आप यहीं से सिर्फ पक्के कर सकते थे। डेविल ने भेजा कि लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे 1 पूछी थी। फिर अमन ने भेजा कि कोडिंग ऐसा आया था कुछ, कोडिंग को GGDH और क्लाउड को क्लाइंब तो क्या बोलेंगे, तो मतलब कि कोडिंग डिकोडिंग से सिंपल एक क्वेश्चन था। अब ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि यही क्वेश्चन आ जाएंगे तो इनको हम रट लें जल्दी से, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको ये ध्यान रखना है। फिर राज ने क्वेश्चन भेजा है, ए और बी किसी काम को काम के लिए 960 रुपये मिलते हैं, ए को बी से 240 रुपये अधिक मिलते हैं, यदि ए बी से 14 दिन अधिक में काम करता है तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे। तो ऐसा नहीं कि वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन था आपके एग्ज़ाम में। फिर एक क्वेश्चन था सीसा संचयक में कौन सा अम्ल होता है। फिर एक क्वेश्चन था कि दही में कौन सा एसिड होता है, ये पूछा है। तो ये क्वेश्चन PTS यानी जो टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए चल रही है 4 स्टूडेंट के लिए, ग्रुप वाई वालों के लिए, उसी से डायरेक्टली ये क्वेश्चन है। अभी आपको इसका प्रूफ भी अपलोड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे कि कौन से टेस्ट नंबर का ये क्वेश्चन है। फिर दो क्वेश्चन अमन ने भेजे हैं कि दो सिनोनिम आए थे, एक था क्वाइट और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि दूसरा सिनोनिम कौन सा था। तो दूसरा था यहाँ पर आपका फ्रॉड का, फ्रॉड का सिनोनिम पूछा गया था। फिर दो क्वेश्चन एरर से थे, अब वो कौन कौन से क्वेश्चन एरर से थे मैं आपको बता देता हूँ। एक तो प्रपोजिशन से रिलेटेड था कि डिस्पाइट के बाद कौन सा प्रपोजिशन आएगा, तो ऑफ आता है आपको पता है, ये भी आपको क्वेश्चन PTS यानी टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। और फिर एक क्वेश्चन था अनलाइकली वाले कॉन्सेप्ट पे, ऐसा कोई एरर आया था आपका अनलाइकली वाले कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन है कि हिंदी में हो रहा है इंग्लिश में, तो ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि बाइलिंगुअल है। फिर इन्होंने लिखा कि कल एडमिट कार्ड में सेम फ़ोटो नहीं एंट्री मिलेगी, तो कोशिश कीजिए कि वही आप लेके जाएं, क्योंकि कुछ लोगों को एंट्री नहीं मिल रही है। लेकिन अभी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। डायमेंशन पूछा था विस्कोसिटी का, एल्योर का, एंटोनिम पूछा था। और मैं आपको बता दूं कि दो, अभी मैंने आपको बताया कि दो क्वेश्चन एंटोनिम से पूछे गए थे, जिसमें कि एक एल्योर का एंटोनिम पूछा था और दूसरा रिपल्सिव का एंटोनिम पूछा गया था, ठीक है। फिर राम ने भेजा कि ऑकवर्ड का एंटोनिम, तो पता नहीं रिपल्सिव का पूछा गया था फिर ऑकवर्ड, क्योंकि एक स्टूडेंट ने बोला कि ऑकवर्ड का और एक ने बोला है रिपल्सिव का। फिर एक बैरल में कितना लीटर होता है, ये पूछा था। और प्रकाश की इंटेंसिटी यूनिट, तो इतने ही क्वेश्चन भेजे हैं और मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी बताता हूँ। देखिए, एक तो मैं अरेंजमेंट ऑफ डेट्स, ये वन वर्ड आया था क्वेश्चन, अरेंजमेंट ऑफ डेट्स और टाइम को क्या कहते हैं यानी क्रोनोलॉजी कहते हैं, तो उससे एक वन वर्ड का क्वेश्चन आया था। EDMs फ्रेज से कोई क्वेश्चन नहीं आया है जैसा अभी तक पता लगा है। अगर मैं बात करूं कि रीजनिंग में, तो 3 फिगर से क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग में, ठीक है। और अगर आप नॉन वर्बल जो करके गए हैं, जो आपको टेस्ट सीरीज में करवाई गई है ग्रुप वाई वाले में, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप बिल्कुल अश्योर होकर जाइए कि आप सही करके आएंगे सारे। एक कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया जो कि अभी मैंने बताया, एक टाइम डिस्टेंस से आया है और एक वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आया है। और रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं थी, मैथ्स थोड़ा सा रिलेटिवली थोड़ा सा टफर साइड में थी, लेकिन मैथ्स ईजी थी और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर ईजी थी। और अगर मैं आपको बताऊँ तो एक क्वेश्चन को इंग्लिश में होल्ड से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब आपसे पूछा गया था, और EDM से जैसा बताया कोई क्वेश्चन नहीं था। तो ये सारे जितने क्वेश्चन अभी तक मिले हैं वो मैंने आपको बताए हैं, आपने सुन लिए। अब मेरे तरफ से आप लोगों को एडवाइस क्या रहेगी, सबसे पहला तो ये बात ये है कि मास्क वगैरह सब कुछ लेके जाएँ, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स हैं थोड़े से, इस वजह से डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ लेके जाएँ और कोशिश करें कि वही फ़ोटो लेके जाएँ जो आपके एडमिट कार्ड में लगी हुई है वो, ठीक है। और अगर आप आगे एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे कि आप अगर टेस्ट सीरीज़ के स्टूडेंट हैं, PTS के स्टूडेंट हैं, तो अपने नोट्स को रिवाइज़ करते रहें जो भी अभी आपने नोट्स बनाए हैं, क्योंकि वो बहुत हेल्प करेंगे। ना सिर्फ PTS बल्कि जो भी आपने नोट्स बनाए उनको रिवाइज़ करते रहें, क्योंकि इस टाइम में आप कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं सब कुछ कर लेंगे, ये टाइम होता है रिवीजन का, तो वो करते रहें। रिव्यू मैं हर शिफ्ट के देता रहूँगा और आपको आगे क्या करना है वही बताता रहूँगा। टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको ऑडियो फॉर्म में इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता रहूँगा टाइम टाइम पे, कि क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें लेके जानी, सारी चीज़ें वहाँ पे मैं शेयर करता रहूँगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। धन्यवाद। और इसको अगर ये वीडियो पसंद आई लाइक करें, और अगर आपने एग्ज़ाम दिया था आज का मॉर्निंग शिफ्ट का, तो कमेंट में क्वेश्चंस लिख के बताएं कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे आपके शिफ्ट में, और इसको शेयर करें इस वीडियो को जितना भी आप कर सकते हैं,
जितने भी चैनल्स में, ताकि स्टूडेंट को क्वेश्चंस पता लग सकें। धन्यवाद।